चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज यूट्यूब चैनल। आज की ताजा खबरों के साथ एक बार फिर से हाजिर हूं। भारतीय जनता पार्टी के डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद कनकपाल कटारा का कांग्रेस पार्टी की बाराबंदी के दौरान पैसा देकर समर्थन जुटाने के मामले में चीकली के निवर्तमान प्रधान बरजोट के बयान पर कांग्रेस और बीटीपी को जमकर आड़े हाथों लिया। देखिए पूरी रिपोर्ट। देखिए, आजकल जनजाति बाहुल्य क्षेत्र टी इन शेड्यूल एरिया के अंदर जिस प्रकार का जो वातावरण बन रहा है उसके अंदर मेरा ये कहना है कि ये जो लोकल बीटीपी यानी भारतीय ट्राइबल पार्टी के नाम से एक यहाँ पर पार्टी आई और उसके अंदर चुनाव लड़े, चुनाव लड़ने के बाद में अब जो जनप्रतिनिधि दो यानी कि चुने गए सागवाड़ा और चौरासी और वो जीत करके गए, जीतने के बाद में फिर ये पहले तो कांग्रेस और बीजेपी को ये गालियां देते रहे, वो हम समर्थन देंगे ही नहीं, हम तो हमारी अलग पार्टी ऐसा कहते रहे और जीतने के बाद में जब सरकार राजस्थान की यानी कि आपस में पद लोलुपता के कारण ये जो है वो सरकार गिरने जैसी स्थिति आ गई और इसलिए उन्होंने रातों रात समझौता क्या किया पता नहीं और फिर उन्होंने समझौता कर लिया और उनको समर्थन दे दिया, राज्यसभा में भी ऐसा किया। उन्हीं के पार्टी के वरिष्ठ नेता यानी कि महेंद्र बरजोर जो चीकली के पूर्व प्रधान रहे और अच्छे वर्कर हैं, ऐसी जानकारी आई और उस चीकली के अंदर आम सभा के अंदर उन्होंने की घोषणा की कि ये जो बीटीपी है और बीटीपी जो इसने 25-25 करोड़ रुपया सरकार बचाने के लिए लिया और 2-2 करोड़ रुपया राज्यसभा के अंदर मतदान करने के लिए लिया, ये बहुत बड़ा आरोप है और आरोप के कारण से जनता ये जानना चाहती है कि भाई ऐसा क्या हुआ, आखिर में कैसे ये पैसे लिए, कैसे लिए, उसके बारे में तो ये दोनों ही बीटीपी के जो सांसद राजकुमार और हमारा जो राम प्रसाद डेंडोर सागवाड़ा का वो बात नहीं बता रहे, वो बात केवल इतनी बता रहे कि आरएसएस और बीजेपी हमको बदनाम करना चाहिए, इस प्रकार की स्थिति जो कर रहे हैं तो शायद वो उचित नहीं है। अभी जैसा वातावरण खड़ा कर रहे हैं कि सोनार माता मंदिर का हो, चाहे वो हमारे नंदिनी माता के अंदर हो, चाहे धानपुर के अंदर हो, और इस क्षेत्र के अंदर हम हिंदू धर्म मानते नहीं ऐसा भी कह रहे थे, और तिलक नहीं लगाना, ये नहीं करना, देवी देवताओं के अभद्र व्यवहार करना, ये व्यवस्था जिस प्रकार की इन्होंने बनाई और यहाँ पर एक आतंक खड़ा किया है यह बिल्कुल सरासर गलत है, मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ और आने वाले समय में अगर यही वातावरण बना तो चिंतन शिविर इनको बंद किए जाएंगे। मैं भी आदिवासी का एक प्रतिनिधि हूँ इस क्षेत्र के अंदर, आदिवासी होने के नाते आखिर में यह मैं नहीं सुन सकता, यहाँ के वरिष्ठ लोग कुछ और भी हैं, ऐसा नहीं है कि वो केवल बीटीपी के इन्होंने समाज का आदिवासी समाज का ठेका ले रखा है, ऐसा कभी नहीं होगा। और आरएसएस और बीजेपी के ऊपर किसी प्रकार की कोई प्रतिना और भी की तो पहले इन्होंने वनवासी कल्याण ने जो काम किए उनको देख ले, पढ़ रख ले, फिर बात करें। इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार, शीघ्र नई खबर लेकर हाजिर रहेंगे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद, देखते रहें सागवाड़ा लाइव न्यूज़ यूट्यूब चैनल।